नजर आता है अहमद के कामयाबी की किस्मत का। हजरत जो आज इजलास हो रहा है मुकामी इजलास है, ये क्या मकसद है इसका? इस प्रोग्राम का और इजलास का जो उद्देश्य है और मकसद है वो तो इसके उन्वान से जाहिर है। समाज में शिक्षा, एजुकेशन और तालीम के अतबार से जागरूकता और बेदारी पैदा करना, यही इस इजलास का मकसद है। और दुनिया जानती है कि किसी भी समाज को महजब बनाने के लिए तालीम से और शिक्षा से आरास्ता करना उसको बहुत ज़रूरी हुआ करता है। आज ज़रूरत है इस बात की कि समाज का और तबके का हर हर फर्द दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम से मालामाल हो, ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस कर सके और समाज और इंसानियत के लिए मुफीद बनकर इस दुनिया के अंदर जी सके। यही पैगाम जमीयतुल माहिन के बैनर तले आज के इस इजलास में तमाम हाजरीन को, सुनने वालों को, आने वालों को दिया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि हर हर इलाके में, हर हर गांव में, हर हर बस्ती में ऐसे मकातिब कायम किए जाएं, ऐसे इदारे कायम किए जाएं जहाँ दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम का माकूल बंदोबस्त हो, ताकि हमारे समाज का और माशरे का कोई फ़र्द ऐसा ना हो जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से गाफिल हो और नाशना हो। यही इस इजलास का मकसद है।